नमस्कार दोस्तों, जीतू कौशिक, डिजिटल ऑफ इंडिया, आपकी बात जनता तक। मैं आया हूँ आज योगेश पारासर जी के पास, जो कि सुभाष मोहल्ला मंडल में मंडल महामंत्री हैं। आज उनका जन्मदिवस है। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, सुभाष मोहल्ला मंडल के मंडल अध्यक्ष मेरे साथ मौजूद हैं। बात करता हूँ किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ये काम कर रहे हैं, क्या इनका मोटिव है, किस तरह से मंडल को लेकर चल रहे हैं। मेरे साथ एक नेताजी हैं, एक कार्यकर्ता हैं, बात करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। आपका शुभ नाम? ईश्वर सिंह। जैसे कि मैं आज उपस्थित हूँ योगेश पारासर जी के जन्मदिवस पर, पूरे मंडल के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, उमंग है। मैं बहुत देर से देख रहा था, भारी भीड़ थी यहाँ पे, अब काफ़ी संख्या घट गई है। तो किस तरह से जन्मदिन मना रहे हैं और क्या आपकी कार्यशैली है आज की? योगेश पारासर जी का आज 50वां जन्मदिन है। आज स्वर्ण जयंती जन्मदिवस है इनका। हाँ जी, ये अपने जीवन के 50 साल पूरे कर चुके हैं और जिसमें इन्होंने कम से कम 40 साल भाजपा परिवार के लिए दिए हैं। ये भाजपा परिवार के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे हैं। इन्होंने 24 घंटे पार्टी के लिए दिए हैं और मैं सुभाष मोहल्ला मंडल और भाजपा परिवार की तरफ से स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करता हूँ। एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब आपसे पार्टी की बात आई तो थोड़ा पूछना चाहूँगा कि विषय तो जन्मदिवस का है, लेकिन दो क्वेश्चन मैं पार्टी को लेकर कर देता हूँ। अभी निगम के अंदर बहुत बेकार स्थिति रही है सर। देखो, निगम में आप कह सकते हैं बेकार स्थिति, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि हमारी 4 सीट जहाँ उपचुनाव 5 सीटों पर हुआ है। सर, लोगों ने भाजपा को नकारा है। उपचुनाव 5 सीटों पर हुआ है, जिसमें से 4 सीट पहले से ही हमारे पास नहीं थी, और लेकिन हमारा वोट परसेंट देखो उससे पहले बढ़ा हुआ है। सर, मतलब वोट परसेंट आपके लिए है, जीत मायने नहीं रखती? जीत मायने रखती है, लेकिन हमारी 4-5 सीटें थी ना, जिन पर उपचुनाव हुआ है, उस पर 4 सीट पहले से ही हमारे पास नहीं थी, हमारी 1 सीट। सर, लोगों का कहना है कि बीजेपी ने MCT में बहुत गलत कार्य किया है, लोगों का काम नहीं किया, सीलिंग की है, चलान काटे, इसका जवाब जनता ने दिया। ये केजरीवाल सरकार का कहना है। केजरीवाल सरकार तो बीजेपी की MCD को हमेशा से बदनाम करती रही है, क्योंकि वो फंडिंग करती नहीं है। बिना फंड के आप बताओ, अगर आपके परिवार में कोई पेमेंट कहीं से बाहर से नहीं आएगी, पेमेंट आप घर में ला के नहीं दो, आपका घर परिवार कैसे चलेगा? सर, अगर अगली बार भी वो पेमेंट नहीं देंगे, फिर कैसे जनता से वादे पूरे करेंगे आप? अगली बार तो केजरीवाल जी खुद दिल्ली से गायब होने वाले हैं। तो जी, आप सर, गुजरात के अंदर 23 सीटें हैं केजरीवाल जी की आपके गढ़ में। वो मोमडन बाहुल्य क्षेत्र है जहाँ से उन्होंने सीटें ली हैं। सर, हिमाचल में भी उन्होंने निकाय चुनावों में जीत दर्ज की है। निकाय चुनाव एक अपना कुछ विषय उनका होता है, जो लोकल विषय होता है, हो सकता है वहाँ पे कुछ रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हैं। तो वो लोकल मुद्दों को लेकर भी दिल्ली के MCD चुनाव में आने वाले हैं। लेकिन हमारी MCD बिना फंड के बहुत अच्छा काम कर रही है, लोगों को कोई शिकायत MCD से नहीं है। तो सर, सर सर एक मिनट रोकना चाहूँगा, फिर 4 सीटों पर क्यों नहीं जीते आप? 4 सीट तो पहले से ही उनके पास थी, और वो मोमडन बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ हमारा भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पहले से ही कम है, और ऐसा नहीं है कि अब MCD काम नहीं कर रही है। MCD बहुत काम कर रही है, और MCD के बिना फंड के MCD काम कर रही है। लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे तो केजरीवाल जी यही कह रहे थे MCD गायब हो जाएगी, लेकिन फिर MCD पूर्ण बहुमत से आई, और आगे आने वाले चुनाव भी MCD पूर्ण बहुमत से दिल्ली में रहने वाली है। ये केजरीवाल जी का वहम कुछ समय में बाद दूर होने वाला है। कार्यकर्ताओं का मनोबल तो बहुत है कि दिल्ली में दोबारा से 15 साल बाद भी MCD सरकार भाजपा की बनने वाली है। वो तो जनता का रुख है, जनता क्या देखती है, क्या करती है। 4 सीटों ने दिखाया है बीजेपी का स्तर, कांग्रेस की 1 सीट आई थी, बाकी आम आदमी पार्टी को बहुत भारी बढ़त मिली थी। बढ़त को छोड़ते हुए फिर दोबारा योगेश पारासर जी के जन्मदिवस पे आते हैं, और मेरे साथ कुछ महिला कार्यकर्ता भी हैं, कुछ और लोग मौजूद हैं। धीरे धीरे पूछता हूँ, कार्यकर्ता मौजूद हैं, महिला कार्यकर्ता जो इस जन्मदिवस में शुभकामनाएं देने के लिए आई हैं, मैं बात करता हूँ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुमन शर्मा है, महिला मोर्चा अध्यक्ष और सुभाष मोहल्ले से। आज आप योगेश पारासर जी को, जो आपके मंडल के महामंत्री हैं, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं। बड़े हर्ष और उल्लास में हैं सारे कार्यकर्ता, तो कार्य भी आप इसी रूप से करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मिलजुल कार्य करते हैं, और बहुत ही जो झारू है हमारे मंडल में। मेरे साथ अन्य लोग भी मौजूद हैं, एक एक करके सबसे इनके व्यूज जानूंगा। चलता हूँ आपको दूसरे एक शख्स के पास लेकर। सर, आपका नाम? संदीप चौधरी नाम है मेरा। सर, संदीप चौधरी जी, आप भी भाजपा में किसी कार्य पद पे हैं क्या? हम पूर्व में मंडल अध्यक्ष थे सुभाष मोहल्ला मंडल के, अभी OBC मोर्चा नवीन सादरा जिला में जिला महामंत्री की जिम्मेदारी है, और हमारे योगेश पारासर जी का जन्मदिवस है, तो उसी उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ताओं ने यह तय किया कि अपने कार्यकर्ता के घर जा करके ये जन्मदिन मनाया जाए। इससे कार्यकर्ता जोड़ने के लिए भी और कार्यकर्ता को मनोबल भी मिलता है, इसीलिए यह कार्यक्रम आज रखा गया
और योगेश पारासा जी को बहुत ही, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत ही लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं पार्टी को, एक तरह से ये कहिए कि जो बचपन की उम्र। मेरे साथ एक और व्यक्ति बैठे हैं, आपका नाम? मेरा नाम सुरेश पंडित। क्या शुभकामना देंगे आज योगेश जी के 50वें जन्मदिन की? हार्दिक शुभकामनाएं। और कौशिक जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि योगेश जी का जन्मदिन पूरे सुभाष मोहल्ला मंडल में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। अभी कम से कम 6-7 जगह लोगों ने ये छोटी छोटी पार्टियां करके, छोटे छोटे कार्यक्रम करके योगेश जी के जन्मदिन की खुशी जाहिर की है। और अपना 50वां जन्म दिवस मना रहे हैं योगेश पारासर जी, महिला कार्यकर्ता हैं, लेके चलता हूँ। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश वर्मा है, मैं महिला मंडल की महामंत्री हूँ। मैं योगेश जी को आशीर्वाद देने आई हूँ। आशीर्वाद? जी हाँ, कोई शुभकामनाएं दे रहा है, कोई आशीर्वाद दे रहा है योगेश पारासर जी को। एक महिला और बैठी है, बात पूछता हूँ, वो किस विषय में आई है? जी मैं घर की सदस्य हूँ, मेरे भाई जी है, मैं अपने भाई को जन्मदिन की बहुत बहुत जी बहन अपने भाई को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने आई है। बहुत सारे लोग हैं, धीरे धीरे एक एक करके चलता हूँ। जी राकेश जी, क्या शुभकामनाएं देंगे? ये बहुत शुभकामनाएं देंगे, हम तो कहेंगे आने वाले टाइम में। कैसी है इनकी कार्य पद्धति? बहुत अच्छी है, लगभग 20-25 साल से काफ़ी महत्वपूर्ण कर रहे हैं, काफ़ी काम करा उन्होंने और बहुत भाइयों को जोड़ा, हमें भी जोड़ा उन्होंने और हमें भी कुछ पद दिया है। हम भी काफ़ी भाग दौड़ी कर रहे हैं और हमें MCD चुनाव आने वाले हैं दिल्ली में, 8-10 महीने बाकी हैं, लोगों का जोर शोर से प्रयास जारी है। एक भाई और है मेरे साथ। जी आपका शुभ नाम? लाला पहलवान जी। जी हाँ, जैसे पहलवान जी बताया तो लग भी रहे हैं थोड़ा सा। लाला जी, पहलवान जी आप क्या शुभकामना देंगे? बड़े भाई की जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई है, और बड़े भाई ने हमेशा अपने भाजपा के लिए कार्य किया है और लोगों को भी जागरूक किया है और उनको सबको जोड़ा है इन्होंने। बता रहे हैं 40 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, 22-10 साल की उम्र में ही लग गए थे बिना पद के, अब जाके पद मिला है। अब जाके जी, और क्या कहना चाहेंगे भाई? आप भी भाजपा परिवार से हैं लगता है। उन्होंने हमको सबको जोड़ा है इन्होंने, भाई ने, इन्हीं को देख कर हमारा मार्गदर्शन करते रहते। कैसे चल रही है प्रतिक्रिया, कैसे चल रही है निगम में? निगम में बहुत अच्छी चल रही है भाई, बढ़िया चल रही है। काम कर रहे हो? काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं। अभी से निगम की तैयारी शुरू है 10 महीने पहले। मेरे साथ बहुत लोग हैं, धीरे धीरे एक एक करके आता हूँ। भैया आपका क्या? नरेंद्र सिंह। नरेंद्र जी, क्या शुभकामना देंगे योगेश जी? मैं तो जी इसी प्रकार से शुभकामना दूंगा, जिस प्रकार से इनका स्वास्थ्य बना रहा है बढ़िया, और जिस प्रकार ये बीजेपी के संगठन के साथ काम करते रहे कर रहे हैं, इसी लगन से काम करते रहें और आगे बढ़े। हम तो ये चाहते हैं इस बार के निगम पार्षद इलेक्शन में बीजेपी ने टिकट दे और ये निगम पार्षद चुन के आए। टिकट की बातें होने लगी भाई साहब, जन्मदिन का माहौल चल रहा है, आप टिकट मांग रहे हैं? हमारी तो जो शुभकामनाएं वो इस सब चीज़ के लिए है। मेरे सामने एक और शख्स है, मैं बात करना चाहूँगा। जी आपका शुभ नाम? चिनोय सेठ। मेरा नाम चौधरी इंदर डेढ़ा। इंदर जी, आज योगेश जी का जन्मदिवस है। हाँ जी, आज योगेश पारासर जी का, हमारे बड़े भाई है, इनका जन्मदिवस है। हम यहाँ सारा, हमारा पूरा गांव और जिस मंडल से आते हैं, सुभाष मोहल्ला मंडल से, सब यहाँ इकट्ठा हुआ है, बड़ी खुशी की बात है। मेरे सामने मनोज चौधरी जी हैं, मैं पहले भी इनसे मिल चुका हूँ, श्यामलाल कॉलेज के पूर्व में नेता रहे हैं, सांध में मेरे सामने हैं, बात करना चाहूँगा। जी मनोज जी, सबसे पहले मैं नमस्कार कहना चाहता हूँ जीतू भाई को, कि इन्होंने आके हमारे जो छोटा सा जो प्रोग्राम हमने बनाया, उस प्रोग्राम में हमारे चट बढ़ कर हम लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। मनोज जी, मैं कहना चाहूँगा, हमारा काम ही है उन लोगों की बात सामने लाना जो लोग छुप छुप के समाज हित में कार्य करते हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो घरेलू, जो हमारे जो भाई हैं, क्या नाम है, योगेश पारासर जी, ये भारतीय जनता पार्टी से 40 साल से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिपाही के रूप में इन्होंने काम किया है। और हमारे गांव घोंडा के लोग, भाई बबली जो, जिन योगेश्वर पारासर जी का नाम बबली उफ, बबली भाई को देखकर भारतीय जनता पार्टी से लोग, उन्होंने गांव से जुड़े हैं लोगों ने, तो आज उनका जन्मदिन है, तो छोटा सा एक प्रोग्राम हम लोगों ने किया और उस प्रोग्राम में छोटे से समय में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए गाँव के और बहुत हर्ष और उल्लास के साथ भाई का जन्मदिन मनाया गया। मनोज जी मेरे साथ बने हुए हैं, मनोज जी से एक बार पूछता हूँ एक राजनीतिक बात और। मनोज जी, निगम के चुनाव आने वाले हैं, क्या चल रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सफाई, जो भी कोई टिकट लेकर आएगा, समस्त सुभाष मोहल्ला मंडल के कार्यकर्ता उसके साथ होंगे और उसके कंधे से कंधे मिलाकर उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन मनोज जी, अभी मैंने जैसे एक प्रश्न और करा था कि 4 सीटों पर बहुत करारी हार बीजेपी को मिली है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी जो ये उपचुनाव थे, इन उपचुनाव में से भारतीय जनता पार्टी की एक ही सीट थी और ये चार जो 3 सीट थी ये आम आदमी की ऑलरेडी पहले थी। तो आप कहना चाहेंगे दिल्ली विधानसभा में यदि 60-70 सीट है आम आदमी की है, तो आप उस पर अपना वर्चस्व, अपना दावा नहीं करेंगे क्या? नहीं, दावा तो करेंगे। एक्चुअली बात ये है कि हमारे जो कार्यकर्ता है,
तो हमारा जो कार्यकर्ता है वो अपनी तैयारी में पूर्ण रूप से तैयारी अब अच्छा तैयारी पूरी है लेकिन चार सीटों पे गड़बड़ हुई है। नहीं अगर हम छोटे लालच में आ जाते हैं आज चार सीट जीत जाते हम तो जो हमें आगे ज्यादा सीटें जीतनी उसमें सर 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 बूंद बूंद से गड़ा पड़ता है। निचले स्तर की राजनीति करते हैं आप, थोड़ा नीचे से उठ के भाई निगम का चुनाव है नीचे से ही तो ऊपर चलेंगे ना। नहीं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो हमेशा जमीनी जुड़ा कार्यकर्ता है जी जी। हम जो है हर साल इनके जन्मदिवस पर हमारे एक युवा लोगों ने टीम बनाई हुई है जो गरीबों को नेत्रहीनों को और जो वृद्ध है उनके लिए कुछ खान पान का जो उनके जरूरी सामान है वस्त्र है जूते है दवाइयाँ है इस तरह का दान करते हैं। तो जो हमारे ये सारे गोंडा गांव से और सुभाष मोहल्ले मंडल से बाबरपुर विधानसभा से कुछ हमने राशि इकट्ठी की है वो तकरीबन ये जो भी कुछ है थोड़ी बहुत है इसमें हम इसमें सब कुछ मतलब वो सामग्री लाकर इनके जन्मदिवस पर वितरित करते हैं और मैं इन्हें ये भेंट देना चाहता हूँ। देखिए भेंट देना चाहते हैं बहुत अच्छी बात है। और ये 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 राशि किस चीज में लगाना चाहते हैं क्या करेंगे ये जो भी जरूरतमंद लोग हैं सामाजिक कार्य है जैसे कितनी राशि है ये 2.5 लाख के करीब है। जैसे जैसे कोई विधवा है किसी बच्ची की शादी है किसी विकलांग को कुछ जरूरत है वो हम इनके जन्म दिवस पे हमारी जो संस्था है वो लोगों को सहायता मुहैया कराती है। बहुत बहुत अच्छा प्रयास है जन्म दिवस पर एक सामाजिक कार्य एक राशि है 2.5 लाख रुपए की जो कि समाज भेंट कर रहे हैं समाज हित में लगाई जाती है। तो मैं आगे आ जाता हूँ इन्हें भेंट करने दीजिए। मेरे सामने योगेश पारा सर जी हैं। मेरे सामने जिला नवीन शाहदरा से कुछ और कार्यकर्ता योगेश पारा सर जी के जन्मदिन में शुभकामनाएं देने आए हैं। आइए मिलता हूँ जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम आशीष पूनिया, मैं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ नवीन शाहदरा से। मैं बबली चाचा को रहते इनका निकले हमारा बबली है क्योंकि हमारे चाचा भी हैं इनके मार्गदर्शन में हमने काम करना भी सीखा है। ये 1992 से और आज 2021 तक पार्टी को सींचते लाए हैं। ये 90 राम मंदिर भी गए थे हम तब से इन्हें देख रहे हैं कार्य कैसे करना चाहिए कार्य कैसे सीखना चाहिए कार्य करने की क्या पहल है क्या कार्य नीति है। ऐसे इनके आशीर्वाद से आज इनके आशीर्वाद से हम इस पद पर इस दायित्व पर काम कर रहे हैं। ये संगठन को सदैव आगे बढ़ाते हैं। तो मैं इनसे यही इन्हें अपने छोटे माध्यम से एक शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि ये इसी प्रकार संगठन को मजबूत करें और इसी प्रकार आगे बढ़े पार्टी आगे बढ़े सब साथ। आपका नाम? प्रशांत गोस्वामी, मंडल अध्यक्ष युवा मोर्चा सुभाष मोहल्ला। अच्छा आप ही सुभाष मोहल्ला से हैं, ठीक है। आप क्या शुभकामना देंगे योगेश पारा सर जी को? सर हम तो चाहेंगे ये थोड़ा आगे इनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। अच्छा। और इनका आशीर्वाद देना चाहिए, आज इनके आदर आशीर्वाद से हम मंडल अध्यक्ष हैं। मेरे साथ दोबारा है युवा मोर्चा से आशीष पुनिया जी। एक आध सवाल तो कटाक्ष तो बनता है आशीष जी। हाँ जी, क्या चल रहा है आपके युवा मोर्चा में? हमारे युवा मोर्चे में जी बढ़िया चल रहा है, जिला अच्छा काम कर रहा है। चार सीटें नहीं बचा भाई? चार सीटें जी हमारे जिले में नहीं थी ना कोई सी भी। अच्छा जिले पे काम करते हो? क्षेत्र में जिले पे काम नहीं करते, जहाँ हमारी जिम्मेदारी लगी थी वहाँ गए थे। क्या कमी रह गई? कमी कुछ नहीं रह गई जी, उपचुनाव था ये। अगर आपको पता हो कि 2016 में भी एक उपचुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, बट 2017 में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई थी और वही अब रिपीट होगा। ये उपचुनाव से हमें कार्य करने की जो शैली है वो बदल जाएगी। जहां हमारी कमियां हैं उसे देखना है, उन कमियों को हम दूर करेंगे और जनता तक जहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे जन जन तक हम पहुंचाएंगे इनकी नीतियां और अपनी सफलताएं। तो हम निश्चित ही 2022 में सरकार बनाएंगे। स्थिति क्लियर हो जाएगी बंगाल में, चुनावी चर्चा जगह चढ़ जाती है। आज जन्मदिन में मैंने छेड़ दी क्योंकि युवा मोर्चा के अभी नेता हैं, युवा कार्यकर्ता हैं, जोश पूरा है, बहुत जोर से नारेबाजी हो रही थी, लगातार चलती आ रही है। तो घंटे समय देख रहा हूँ मैं आपके साथ, डिजिटल ऑफ इंडिया 24x7 आपकी बात जनता तक।